खुशियों के ये पल आज हैं और हैं कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। अंतरमंडल उत्तर पश्चिमी रेलवे सुरक्षा बल की ओर से बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को फ्रेजर रोड स्थित एडीएसए में किया गया। प्रतियोगिता में 12 रेलवे पुलिस सुरक्षा बल के जवानों ने भाग लिया। प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी। यह प्रतियोगिता पहली बार राजपत्रित अधिकारी से नीचे के रैंक वाले जवानों और अधिकारियों के लिए रखी गई। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 6 जून को खेला जाएगा। इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी गजेटेड ऑफिसर नहीं है, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के लिए है, मतलब कॉन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर आने तक के लिए। आमतौर पर ऐसा होता है कि बैडमिंटन की प्रतियोगिता सिर्फ गजेटेड ऑफिसर्स के लिए होती है, ऑल इंडिया पुलिस सेवन में भी, लेकिन इस बार पहली बार बैडमिंटन को भी अदर स्पोर्ट्स की तरह सभी लेवल का बना दिया गया है। इसलिए आरपीएफ में भी पहली बार आयोजित हो रही है। अजमेर मंडल को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है के उत्तर पश्चिम रेलवे के बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन वो अपनी जगह करा रहा है। इसमें 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनको नॉकआउट के आधार पे हम सेलेक्ट करेंगे। 6 तारीख को इसका फाइनल है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।